हैं और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी में आज से प्रभारियों के दौरे की शुरुआत हो गई है। तो मतगणना से पहले बीजेपी की तैयारियां यहां पर, और इसी को प्रभारी यहां पर जा चुके बीजेपी के एजेंटों के लिए ये यहां पर निर्देश दिए गए हैं। तो समय से पहले एक घंटा बहलेंगे मतगणना स्थल पर, मतगणना समाप्ति के बाद ही टेबल को छोड़ा जाएगा और टेबल की काउंटिंग पर ईवीएम से मिलान भी किया जाएगा, और कोई समस्या हो तो आरोप को नोट कर लिखित में बताया भी जाएगा। वहीं जिला संगठन को शाम 6 से 8 बजे के बीच ये जानकारी देनी होगी। तो कल मतगणना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी में आज से प्रभारियों के दौरे हैं। बता दें कि तैयारियां कैसी तरह चल रही हैं मतगणना को लेकर, इसको लेकर यहां पर निर्देश दिए गए हैं। समय से एक घंटा पहले मतगणना स्थल पर पहुंचने को कहा गया है। वहीं मतगणना समाप्ति के बाद ही उस टेबल को छोड़ा जाएगा और टेबल की काउंटिंग कर ईवीएम से भी मिलान करने को कहा गया है। वहीं अगर कोई समस्या इस दौरान दिखती है तो आरओ को नोट कर लिखित में ये बतलाया जाएगा। वहीं जिला संगठन को शाम 6 से 8 बजे तक इस बीच जानकारी भी यहां पर देनी होगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, बीजेपी में आज से प्रभारियों के दौरे शुरू हो गए। मतगणना से पूर्व बीजेपी की तैयारी जांचेंगे प्रभारी, बीजेपी के एजेंटों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। समय से एक घंटा पहले मतगणना स्थल पर पहुंचने का निर्देश साफ तौर पर दिया गया। इसके अलावा मतगणना समाप्ति के बाद ही टेबल को छोड़े, उससे पहले वहां से हिलना नहीं है, निर्देश साफ हैं। टेबल की काउंटिंग कर ईवीएम से उसका मिलान करें, कोई समस्या हो तो आरओ को नोट कर लिखित में बताएं अगर कोई भी परेशानी आ रही है। जिला संगठन को शाम 6 से 8 बजे के बीच इस मामले में जानकारी दें। तो कल मतगणना होनी है और उससे पहले जो निर्देश हैं वो साफ तौर पर दे दिए गए हैं। बीजेपी में आज से प्रभारियों के दौरे शुरू हो गए हैं। मतगणना से पूर्व बीजेपी की तैयारियों को प्रभारी अब जांच रहे हैं। बीजेपी के एजेंटों को जो निर्देश दिए गए हैं उनमें साफ तौर पर कहा गया है कि समय से एक घंटा पहले आपको पहुंचना होगा मतगणना स्थल पर। मतगणना समाप्ति के बाद ही टेबल को छोड़ी, टेबल की काउंटिंग कर ईवीएम से उसका मिलान करें, ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। योगेश जी, कल मतगणना है और उस मतगणना को लेकर एजेंटों को बीजेपी की तरफ से निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए, प्रभारियों की ओर से जांच करने का जो काम है वो शुरू हो गया, और क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, पॉलिटिकली तौर पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कई सीटें ऐसी जो मार्जिनल डिफरेंस पर अटक गई है, जहां पर टाइट मुकाबला है, नेक टू नेक फाइट है। ऐसे में वहां पर जो एजेंट होगा बीजेपी का अंदर बैठेगा, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वो कहीं पर भी विचलित ना हो, समय से पहुंचे और समय की समाप्ति के बाद पूरी जांच पड़ताल के बाद ही वो बाहर निकले। तो एक तरह से ये निर्देश दिया गया, सभी जो प्रभारी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी संगठन के हिसाब से जो 41 जिले हैं वहां पर सभी जिला प्रभारी आज पहुंच चुके हैं और वो कुछ ही देर बाद वहां मीटिंग लेने का काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन योगेश जी, ये जो तमाम निर्देश दिए गए हैं प्रभारियों को, एजेंटों को, ये हमने देखा कि इससे पहले कांग्रेस में दिए गए, मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो ईवीएम में जिस तरह से छेड़छाड़ की बात आ रही थी, उसके बाद 11 दिसंबर के लिए यहाँ पर खासतौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि तमाम जो केंद्र है जहां पर काउंटिंग होनी है वहां पर अपनी नजर बनाए रखें। तो किस तरह का रिस्क यहां पर बीजेपी भी नहीं लेना चाहती, इसी के मद्देनजर कह सकते हैं कि राजस्थान में भी अब बीजेपी यहां पर इसको यहां पर टटोल रही है? हाँ, बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। ये भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई रिस्क यहाँ पर लेना नहीं चाह रही, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कुछ पिछले चुनाव में हमने देखा है कि एग्जाम्पल है सामने आमेर विधानसभा सीट का, जहाँ बहुत कम मार्जिन से सतीश पुनिया चुनाव हार गए थे। तो उससे कुछ देर पहले ही वहाँ पे जो उनके एजेंट थे उनको ऐसा लगा कि सतीश पुनिया चुनाव जीत थे, तो वहां भ्रम की स्थिति पैदा हुई। राखेर में बहुत कम अंतर थे, सतीश पुनिया आमेर में चुनाव हार। बीजेपी चाहती है कि इस बार ऐसी कोई गलती उनके बूथ एजेंट नहीं करे, वो जहां पर भी मतगणना स्थल पर जो एजेंट बैठे अब वो पूरी तैयारी के साथ बैठे और पूरी तैयारी के साथ वही कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, तुरंत आरओ को लिखित में शिकायत करें। और एक तरह से कहा जाए तो जैसा मैंने कहा कि नेक टू नेक फाइट की जरूरत है, वहां पर विशेष तौर पर जिला प्रभारी वहाँ के एजेंटों को निर्देशित करेंगे। और कह सकते हैं इसलिए भी क्योंकि एग्जिट पोल में जिस तरह से नतीजे दिख रहे हैं, 7 सर्वे में से 6 में जिस तरह से कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिली है, इसको देखते हुए भी आप कह सकते हैं कि नेट टू नेट यहाँ पर फाइट एक तरह से देखी जा रही है। ये बात सही है, बिल्कुल, नेट टू नेट फाइट कुछ सीटों पर है और तकरीबन 60 सीटें ऐसी हैं और बीजेपी कहीं पर भी वहाँ पीछे नहीं रहना चाहती। अंदर जो बैठता है मतगणना स्थल के अंदर जो एजेंट बैठता है उसकी भूमिका
बेहद अहम हो जाती है और वो निपुण हो, कुशल हो, उसका अनुभव हो पुराना, ये तमाम बातें देखकर ही एजेंट डिसाइड की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी में आज से प्रभारियों के दौरे, एजेंटों को यहाँ पर साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि मतगणना स्थल पर वो एक घंटा पहले पहुंचे समय से, और मतगणना जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ही वो अपना टेबल छोड़ पाएंगे, और अगर इस दौरान कोई गलती मिलती है, किसी चीज को लेकर समस्या होती है, तो सीधे आरओ को नोट लिख कर यहाँ पर बताएंगे, और वहीं 6 से 8 बजे के बीच जानकारी यहाँ पर जिला संगठन को उसको लेकर भी देनी होगी।